तक योग प्राणायाम ध्यान का कार्यक्रम और 10 मिनट में मैं आपको डाइट या प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रयोग बताऊंगी, उसके बाद हम जो है प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि नहीं तो 9 बजे के बाद मैंने देखा बहुत लोग चले जाते हैं, आधी संख्या रह जाती है। तो हम अपने जो समय का है उसका कड़ाई से पालन करेंगे और 9 बजे तक जो हमें अपनी बात कहनी है वो हम पूर्ण करेंगे। और आप लोग चैट बॉक्स में प्रश्न लिख भी सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान हमारी टीम और हम मैं स्वयं मिलके आपका समाधान। तो थैंक यू जगदेव जी फॉर अ वंडरफुल सेशन। आई थिंक ये थोड़ा सा एंड का 10 मिनट्स का मैं खत्म करती हूँ, उसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज जो है धीरेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सा कहूँ या फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, उन्होंने कहा है भोजन ही औषधि है, यानी के आहार ही औषधि है। जिस प्रकार से एक अगर इमारत अगर उसमें कुछ टूट फूट होती है किसी दीवार में जो ईंट से गारे से सीमेंट से बनी हुई है, तो हम उसकी रिपेयर कैसे करते हैं? हम उसी ईंट गारे से सीमेंट से उसकी रिपेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जो शरीर है जो भोजन से बना है, माँ के गर्भ में जब भ्रूण एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो माँ जो भोजन करती है उसी भोजन से वो पलित पोषित होकर हम इतनी विशाल काया हमारी बन जाती है। लेकिन भोजन औषधि का कार्य कब करेगा? भोजन जो है जब सही मात्रा में और सही प्रकार का उचित भोजन हम करेंगे तभी वो एक मेडिसिन का काम करेगा। और हमारे हमें कोई भी बाहरी मेडिसिन या औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल और केवल भोजन में सुधार करके हम किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। और अब तो ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च द्वारा ये प्रमाणित किया है कि दुनिया भर की जो मेडिसिन्स हैं, सर्जरीज हैं, और किसी भी प्रकार की औषधि है, दवाइयां हैं, वो एक तरफ और डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो सुधार है, यदि इन दोनों को तोला जाए तो जो भोजन में सुधार है उससे जो हमें लाभ होगा उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस बात समझने की है कि हमें किस प्रकार से कितनी मात्रा में और कब और किस प्रकार का भोजन करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इस समय पर जैसे कुछ लोग जो है जिन्हें बुखार है, सिर दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, यानी किसी भी एक्यूट इलनेस से वो पीड़ित है, या कभी भी आने वाले समय में भी यदि आपको कभी अचानक तीव्र वेग से जो एक्यूट इलनेसेस आते हैं, तो उस समय भोजन का क्रम क्या रखना चाहिए ताकि बिना औषधियों के आप केवल 3 दिन में जो है आपका बुखार चला जाएगा, आपका जो लूज मोशन है उसकी संख्या कम हो जाएगी, आपका हेडेक है, आपका जो वॉमिटिंग है, जो भी ये तीव्र आवेग से जो रोग आते हैं 3 दिन में, कैन यू बिलीव इट? आप एंटीबायोटिक खाते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, 10 10 15 15 दिन खाते हैं, क्या उसके बाद भी आपको जो है बेहतर हल्का फील होता है? आपको उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के चलते आपका कभी पेट खराब हो जाता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कोई भी व्याधि हो, यानी कि सबसे पहले मैं एक्यूट इलनेस की बात कर रही हूँ जो बड़ी तीव्र तीव्र आवेग से हमारे भीतर आते हैं, जैसे कि बुखार। इस समय जैसे बुखार है, गला खराब है, सर्दी जुकाम, खांसी, चेस्ट कंजेशन, जितने भी ये रोग हैं, तो सबसे पहला इसमें हमारा कर्तव्य क्या होता है? सबसे पहले हमें अपना विश्राम करना है और हमें भीतर के यंत्रों को भी आराम देना है। ये जो फिजियोलॉजिकल रेस्ट है, ये शरीर के अंगों, यंत्रों, पाचन संस्थान को आराम देने के लिए इस तरह का भोजन, ताकि जो ये 3 दिन का मैं प्रोटोकॉल बताऊंगी उसके द्वारा आपके शरीर में पाचन तंत्र को आराम मिलेगा
और जो जीवनी शक्ति आपके भोजन को पाचन में लगती वो आपकी हीलिंग में लगेगी और आप जो है 3 दिन में आप बेहतर फील करना शुरू कर देंगे बिना किसी मेडिसिन के। तो पहले दिन हमें करना है लिक्विड डाइट प्रोटोकॉल में आपको वही 6 से 8 ग्लासेस नारियल पानी, 6 से 8 ग्लासेस आपको जो है संतरा, मौसमी, नींबू पानी, इस तरह के जूसेस को आपने सेवन करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना, केवल आराम करना है और आपको कोई भी जो है उत्तेजित सीरियल या मैगजीन या बुक्स भी नहीं पढ़ने, कोई भी मेंटल श्रम भी नहीं करना, पूरी तरह से रेस्ट करना है। और साथ साथ जो हमारी गीली पट्टी है, टॉवल का वेट पैक आप स्टमक पे एब्डोमेन पे दे सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे दिन का बताते हैं। दूसरे दिन आपको वही 4 ग्लास नींबू पानी, नारियल पानी ले लीजिए या फिर आप सिट्रस फ्रूट जूस ले लीजिए और 4 से 5 ग्लास आप जो है नारियल पानी, हाँ दोनों मैंने बता दिए कि नारियल पानी भी और साथ साथ 4-5 ग्लास आपके जूसेस के या नींबू पानी के। और रात को जो है आप 250 ग्राम्स खीरा, टमाटर, उससे ज्यादा भी खाने की इच्छा हो तो वो भी खा सकते हैं क्योंकि टमाटर और खीरा मोर देन 90% उसमें वाटर ही होता है, न्यूट्रिएंट्स होंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। बाय थर्ड डे आपका जो बुखार है, आपकी जो तकलीफ है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर 100 तक बुखार बना भी रहता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रकृति अपने नियम से धीरे धीरे आपको तो केवल उस प्रकृति की प्रक्रिया को, वाइटैलिटी का सहयोग करना है उस पर लोड कम करके। तो अब थर्ड डे जो है आपने 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस या नींबू पानी, और नींबू पानी का पीने का भी तरीका यह है कि 1 नींबू 1 ग्लास में निचोड़ कर और उसमें कोई चीनी कोई नमक ना डालें। और लंच में 250 से 300 ग्राम आप खीरा टमाटर खाएं और रात तक आप इतना बेहतर फील करेंगे। होम कुक्ड लाइट मसाले और कम घी वाली सब्जी रोटी या जो भी आप खाना चाहते हैं, घर का बना हुआ सात्विक भोजन। तो इस 3 दिन के प्रोटोकॉल से इस समय ये जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है इसका पर्पस ही यही है कि घर में बैठे हुए जो लोग बीमार हैं वो क्या करें ताकि वो स्वस्थ हो सके। तो इस डाइटरी प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है और आप देखिए हजारों लोग इस प्रोटोकॉल से बिना दवाइयों के स्वस्थ हो चुके हैं, तो आप भी इस प्रोटोकॉल का लाभ उठाएं। अब ये तो हो गई बीमारी की अवस्था में किस तरह से हमें डाइट का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को, ताकि वो किस प्रकार से भोजन करे ताकि उनके भीतर की जीवनी शक्ति प्रबल हो, इम्यूनिटी प्रबल हो और अगर कोई वायरस कुछ आ भी जाए तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको शरीर से निकाल भार करे। तो सबसे पहला तो नियम यही है कि शरीर में अत्यधिक भोजन ना डालें और जंक फूड ना खाएं क्योंकि वो हमारे शरीर का जो एसिडिक लोड है और जो टॉक्सिक मैटर है वो बढ़ा देगा और साथ साथ जो वायरस इत्यादि हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, याद रखिए कि वायरस इत्यादि को भी पनपने के लिए, पोषित होने के लिए उन्हें भी भोजन चाहिए होता है और उनकी तो पार्टी हो जाती है जब वो हमारे भीतर का टॉक्सिक मैटर उन्हें मिलता है जिसको वो खा के पलते फूलते हैं। तो भीतर की हाइजीन, भीतर अपने टॉक्सिक मैटर अगर हमारे नहीं होगा, हमारा क्लीन होगा तो हमारे भीतर वायरस आ भी जाएंगे तो दे विल स्टार्व टू डेथ, तो आपको रोग होगा ही नहीं। अब प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार का आहार करना चाहिए ताकि वो उसे रोग कभी आए ही ना। और हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम इस तरह की जीवन शैली अपनाएं, इस तरह का भोजन करें ताकि रोग हमारे पास फटक ही नहीं पाए। तो दिन की शुरुआत हमें सबसे पहले क्या कैसे करनी है, मैं थोड़ा सा कैमरा आपको देखते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो
ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ग्लास देख पा रहे हैं, ये इस दिन की शुरुआत आपको धीरेन्द्र सब विजिबल है ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ और एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो तो। ये ग्लास है, हमें नियमित तौर पे हमें जो है ये आंवला भीगा हुआ है, मैंने ये कद्दूकस किया हुआ रात को। ये सबसे पहले आप एलिमिनेटिव ड्रिंक से आप दिन की शुरुआत करेंगे। हमारे भीतर के टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए सबसे पहले दिन की शुरुआत हमें एक एलिमिनेटिव ड्रिंक से करनी चाहिए। आशा करती हूँ सब लोग देख पा रहे हैं, ये एलिमिनेटिव ड्रिंक जो है आंवला वाटर, ये ऐसा है कि आप सारा साल पी सकते हैं, 12 महीने पी सकते हैं। जब सीजन नहीं हो तो सूखे आंवले के टुकड़े जो है उनको भिगो कर रात को और सुबह छान कर पी सकते हैं। ये हमारे भीतर की जो गंदगी है, एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, इसको बड़ी तेजी से निकालता है और ये बात पित्त कफ रोग दोषों को भी संतुलित करता है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो दिन की शुरुआत, अगर आंवला आपको बाई चांस कभी नहीं होता है तो आप लेमन वाटर पी सकते हैं, आप त्रिफला वाटर रात को 1 चम्मच, जिनको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है, हालांकि ये जो आंवला वाटर है ये भी कब्ज दूर करता है, लेकिन 1 चम्मच रात को अगर आप त्रिफला पाउडर को एक कप पानी में या इतने बड़े ग्लास में भिगो देंगे और सुबह छान कर उसको पियेंगे, तो ये सारे एलिमिनेटिव ड्रिंक्स हैं आपके, और इसके बाद आप शौच इत्यादि के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो है, जब आप शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाए, तो उसके बाद जो है हमें आसन प्राणायाम, जो भी आपकी वॉक, जो भी दिनचर्या है उसे करें। उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं, कोई भी एल्कलाइन जूस, जी हाँ, याद रखिए कि आपके भीतर अगर रोग है तो उसका मतलब है कि आपका एसिडिक लोड आपके शरीर में बढ़ गया है, और इसीलिए क्योंकि हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो स्लाइटली 7.4 एल्कलाइन होता है, तो हम स्वस्थ तब तक रहते हैं जब ये एल्कलिनिटी बरकरार रहती है। और वो कैसे रहेगी, जब हम अपने भोजन में 80% जो है एल्कलाइन डाइट लेंगे और 20% एसिडिक। तो हमें इस समय अपने योग इत्यादि के कार्यक्रम से निवृत्त होकर हमें चाय और बिस्किट नहीं लेने, हमें लेना है एक एल्कलाइन जूस। एल्कलाइन जूस में आप, आज मैंने जो है एक पालक का जूस बनाया है, तो आप एल्कलाइन जूस में पत्ते की जूस बन, अब इसमें कोई भी पत्ता हो सकता है, पालक हो सकता है, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, और इसके अलावा आप ले सकते हैं सफेद पेटे का जूस, ये भी 100% एल्कलाइन होता है, जिसे कि हमें आप या तो जूसर में डालकर 1 ग्लास जूस बना सकते हैं। याद रखिए, पेठा और सीताफल कद्दू में फर्क है। पेठा जिसमें जिससे मिठाइयां बनती हैं, जो बाहर से एश गोर्ड जिसे बोलते हैं, बाहर से वो हरा होता है अंदर से व्हाइट, तो उसका छिलका उतारना है, बीज निकालने हैं, और एक टुकड़ा यदि आप 50 ग्राम का लेके मिक्सी में डालकर उसमें पानी डालकर शेक भी बना लेंगे तो वो पल्प समेत आपका एल्कलाइन जूस बन सकता है। तो इस तरह से कोई भी प्रकार का आप जो है एल्कलाइन जूस आप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है आप अपना नहाने धोने का कार्यक्रम और वो सब करने के बाद अब आएगी नाश्ते की बारी। तो नाश्ते में जो है आपको लगभग 500 से 800 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन कि आपका हाइट वेट कितना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है 600 ग्राम के लगभग, जिसमें के फल है, जिसमें के केला है, तरबूज है, खरबूजा है, और इधर अंगूर भी है। तो जिस तरह के 3-4 प्रकार के जो है आपको जो भोज्य पदार्थ, ये फ्रूट्स है, ये आप इतनी क्वांटिटी आपको ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इसको समझिए कि 12 बजे तक आप एक बारी में, शुरू में जब आप खाना शुरू करेंगे तो इतना भोजन, इतना जो आप फ्रूट है, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है,
इसको 2-3 सर्विंग में कर लीजिए, लेकिन याद रखिए कि इतना फल आपको जो है 12 बजे तक खाना है। ये क्वांटिटी 600 से 800 ग्राम तक हो सकती है, ये मिनिमम क्वांटिटी है। इससे ज्यादा खाए तो और भी अच्छा है। याद रखिए, अगर इस निर्धारित क्वांटिटी से कम अगर आप फल खाएंगे, जो कि हम लोग आमतौर पे आदि होते हैं कि हम कहते हैं कि हम फल खाते हैं, यूजुअली तो हम भोजन के बाद खाते हैं, वो पहली बात गलत है। दूसरी बात, हम एक आध टुकड़ा जो है फल का खा लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमने फल खा लिया। जी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भोजन मेडिसिन का काम करे और आपको वो न्यूट्रिएंट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट, वो फाइबर, वो मिनरल्स और वो विटामिन दे, तो उचित मात्रा में आपको भोजन, आपको फ्रूट्स, आपको ब्रेकफास्ट में ये लेने पड़ेंगे। याद रखिए, आप चाय, बिस्किट, ब्रेड, बटर्स, इन सबको अपना जो है अपने जीवन से निकालिए, और इस तरह से आप जो है ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको नेचुरली बूस्ट करने वाले जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, चाहे वो विटामिन सी है, ए है, आय और आयरन है, सभी प्रकार के जो है आपको पोषक तत्व मिलेंगे। और याद रखिए कि फल में जो है, एक तो ये सुपाच्य है तो आपकी जीवनी शक्ति पे लोड नहीं पड़ेगा, दूसरा इसमें जो है फाइबर है, आपके शरीर से जो मल निष्कासन का कार्य इसमें जो पानी है और फाइबर है वो कार्य करेगा। तो ये तो हो गया हमारा 12 बजे तक का भोजन का कार्यक्रम। आगे चलते हैं, इसके बाद जो है दिन में कभी भी आपका मन करता है कुछ पीने का, गर्मियां आ रही हैं, प्यास लगती है, तो आप कभी भी नींबू पानी किसी भी समय पी सकते हैं, नारियल पानी आप कभी भी पी सकते हैं, वो नेचुरल मिनरल वाटर है। अब आती है बात हमारे लंच की। तो लंच में हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 300 ग्राम लगभग सैलेड है। प्रतिदिन आपको इसको भोजन करने से पहले आप एक प्लेट पे आप ये सैलेड लीजिए, दूसरे में अपनी रोटी, सब्जी, अपना मन पसंद। मैं आपको भोजन का कोई ऐसा खास निषेध नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड मील है, जो भी खाते हैं आप वो खाइए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसको खाने से पहले ये इतनी 300 से 350, 400 ग्राम आप ये मिनिमम क्वांटिटी सैलेड की, कच्ची सैलेड को चबा चबा कर बहुत अच्छे से इसका सेवन करें, और उसके बाद जो है आप अपना मन पसंद खाना जो भी है, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, जो भी खाना चाहते हैं वो खाइए। और इस तरह से जब दिन में आपको, जिसे कहते हैं कि हमें स्नैकिंग या लगती है, भूख लगती है, तो ऐसे समय पर, शाम के समय पर, तो हम क्या स्नैकिंग करें, तो आप जो है, ये मैंने लगभग 50 ग्राम स्प्राउट्स लिए हैं मूंग के, आप इस तरह से इतनी क्वांटिटी, हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स जो है आप किसी भी वक्त एज अ स्नैक जो है वो ले सकते हैं, और इसे जो है स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप इसमें प्याज, टमाटर इत्यादि डालिए, और इसके साथ साथ आप अगर सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, जी हाँ, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स में जो डायबिटिक नहीं है, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, आप लगभग हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो है प्रतिदिन, और इसमें जो है आप 10 बादाम, 2 अंजीर और 10 किशमिश, 1 खुमानी और 5 मुनक्के, अगर इतना आप ड्राई फ्रूट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 10 बादाम, उनको, बादाम को क्या करना है, आपको अलग पानी में भिगोना है, ये आप रात को भी करके कर सकते हैं, और 1 खुमानी, 2 अंजीर, 5 मुनक्के, 10 किशमिश, इनको वॉश करके इनको सबको एक कप में भिगो दे, एक कप में डाल के रात को भिगो दीजिए। अब जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप उस समय उसका जो पानी है जिसमें वो सोक किए गए हैं, आप उस पानी को जरूर पिए, और फिर मुनक्के के बीज निकाल के आराम से चबा चबा के उसको खाइए। ये एज अ स्नैक आप, और बादाम अलग इसीलिए भिगोए हैं क्योंकि जिस पानी में बादाम भिगोए हैं वो हमें पीना नहीं है, केवल जिस पानी में अंजीर, मुनक्का, खुमानी और किशमिश भिगोए हैं
वो उसमें नेचुरल फ्रक्टोज जो आ जाता है इन ड्राई फ्रूट्स का, तो वो आपको नेचुरल फ्रक्टोज नेचुरल शुगर देता है, तो उस पानी को फेंकना नहीं है। ये आप एज अ स्नैक लेट नाइट, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आप ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स अपने फ्रिज में रखिए, आप स्प्राउट्स रखिए फ्रिज में, आप नारियल कटा हुआ रखिए। तो जैसे बच्चे भी लेट नाइट स्टडी करते हैं, जब उनको भूख लगती है तो स्नैकिंग के लिए आप हेल्दी ऑप्शंस रखेंगे, तो बच्चों का हाथ बिस्किट्स पे और जंक फूड पे और पैकेज्ड गुड्स पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखा कि हम यदि भोजन का क्रम इस प्रकार से रखते हैं तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी वाइटैलिटी का हास नहीं होता, क्योंकि ये प्राकृतिक भोजन सुपाच्य भोजन है, इससे मिनरल विटामिन्स भरपूर मात्रा में हमें मिलते हैं और हमारे भीतर की जीवनी शक्ति सशक्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देती हूँ। अब सबसे पहले अगर आपका कोई प्रश्न, अगर आप कोई पूछना चाहते हैं जगदेव जी से या आसन प्राणायाम से रिलेटेड, तो वो पूछिए, और या भोजन या प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार, ये जो प्रयोग है ये लपेट नियमित तौर से बांधते रहिए, ताकि आपकी पाचन शक्ति, वो भी जरूरी है कि वो सशक्त रहे, क्योंकि आप नो मैटर आप कितना हेल्दी खा लें, लेकिन अगर आपकी जो पाचन शक्ति है, पाचक तंत्र ही अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगी, उन सब भोज्य पदार्थों का भी फायदा नहीं हो पाएगा। तो लपेट को अपना नियमित अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और चेस्ट की लपेट, अगर आपको छाती में कंजेशन, कफ, बलगम, तो वो इससे बढ़िया ब्रोंको डायलेटर आपको नहीं मिलेगा। बिना मेडिसिन के आपका कफ उखड़ेगा, पिघलेगा, और आपका जो चेस्ट क्लियर होगा तो ऑक्सीजनेशन अधिक होगा। जी, तो चैट में मैं चलती हूँ, अगर प्रश्न किसी ने लिखे हैं तो देखते हैं। मैडम बिना प्लीज, बिना बिना पारेख प्लीज, एक बार बिना जी सर सुन लीजिए क्या बोलना चाहा। बिना पारेख प्लीज। जी बीना जी मैम सुनाई दे रहा आवाज? जी, नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। पूछ रही थी, एक तो कि कोई भी फ्रूट्स किसी भी फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, जी जैसे हाँ आपने अभी वाटरमेलन, केला, अंगूर ये सब दिखाया, तो ये सब एक साथ भी खा सकते हैं? बिल्कुल, अभी आम का सीजन है, भर के आम खाइए। जो भी देखिए, फ्रूट कौन सा होना चाहिए? लोकल और सीजनल। अब ये समय एप्पल खाने का नहीं है, ये समय है तरबूज, खरबूजा, जो भी भर के सीजनल और लोकल फ्रूट आ रहा है उसका सेवन और करिए। एक चीज और पूछना था, मेरे को अर्थराइटिस है, जैसे ये उंगलियां और मेरी थोड़ी सी ऐसे मूव होने लग गई, मतलब टेढ़ी होने लग गई है, तो मेरे को उसके लिए क्या खाना चाहिए? आपको बिल्कुल जो मैंने ये भोजन का क्रम बताया है इस तरह जी से, क्योंकि ये हमारे मन में गलत धारणा हो जाती है कि अरे हम आंवला खट्टा पियेंगे तो हमारे जोड़ों का दर्द हो हाँ, जाएगा। क्योंकि मेरे को एक दिन पहले भी कोई बोले कि आंवला मत खाइए, उससे मतलब प्रॉब्लम।